The back and forth has got me so messed up. Don't ignore. Hello guys, तो कैसे आप लोग? मैं हूँ कुणाल और आप देख रहे हैं केडिन वो. तो आज एक नया दिन तो मैं लेके आया और एक नई वीडियो. तो हाँ, आज हम जो वीडियो लेके आए वो वीडियो है एक फोटोग्राफी के ऊपर. जो एक ट्रिक हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे और ये ट्रिक हम लोग आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे कैसे करते हैं ये ट्रिक. आप लोग शायद थंबनेल में देख के मतलब पता चल चुका है क्या करेंगे हम लोग, और शायद और आप लोग सही है वही करेंगे हम लोग. और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ये लेके आया बैलून्स, और ये बैलून्स अभी इसमें पानी भराएंगे और जो भी ट्रिक होता है हम लोग अभी दिखाएंगे कैसे करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे. अभी इसको फेंकते हैं इस तरफ. और बाकी जो मेरा लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं इसको आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं. और ज़रूर देखिए क्योंकि देखना तो पड़ेगा ही, और ज़रूर देखिए. और जो जो सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन ठोक के जाना. तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. पानी बाद में भरा. हो गया सेटअप और हम लोग रेडी हो गए डीएसएलआर पर. पहले हम लोगों को बैलून फुलाना पड़ेगा. अभी बैलून में पानी भरा के हम लोग आते हैं और फुलाते हैं कुछ बलून्स. ओके, तो बने रहिए. और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पानी भरा लिया और यहाँ काफ़ी कष्ट किया मेरा भाई ने. और हम लोग अभी और दो तीन पानी भरेंगे फिर टेस्ट करेंगे इसको. ओके, तो देखते रहिए. तो पहले आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या किया. और पहले मैं यहाँ पर एक ट्राइपॉड सेट किया और यहाँ पर मैंने फ्लैश लगाया, जो अभी तो फ्लैश ऑन करके रखा है. और यहाँ पे फ्लैश लगा दिया और पीछे नॉइज़ के कारण, अगर नॉइज़ पैदा ना होने के लिए अगर एक ब्लैक मतलब इसका पीछे एक रिफ्लेक्टर और जुगाड़ करके कुछ नीचे रख दिया. और रिफ्लेक्टर और नीचे आप बलून्स हम लोग अभी फोड़ेंगे और वो कुछ शॉट लेंगे, ट्राई करेंगे. पहला मतलब शॉट लेंगे कैसा होता है, अगर अच्छा नहीं हुआ सेकेंड लेते रहेंगे जब तो अभी हम लोग छोड़ लेंगे और आप लोग देखते रहिए कैसे करते. और ये तो मेरे पास अभी बैलून मैं बांध के रखा है, अभी इसको फोड़ेंगे. ओके, और लाइट तैयार है. और अभी पहले मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि इसको पूरा अच्छे से खींचना है. अभी लाइट ऑफ कर लिया. अभी ये है मेरे हाथ में. अभी मैं इसमें ट्रिगर लगा लिया क्योंकि फ्लैश चल रहा है. और अभी शॉट लेते हैं ज़्यादा. और ये ऑफ हो गए. मेरा सेटिंग है यहाँ पर शटर तो 200 और F8 करके रखा है और ISO 100. ओके, अभी चलिए शॉट लेते हैं. और ये रहा फास्ट शॉट. इतना क्लीन नहीं आया जितना सोचा था, पर नेक्स्ट ट्राई करते. और ये अच्छा आया पहले तो. बना के आया और ये 5 नंबर ट्राई. और अभी बहुत हवा शेष हो गया और मेरा भाई का मुख का हवा शेष हो गया और चल रहा है और पूरा नीचे पानी पानी हो गया चारों तरफ. बाल्टी में कुछ थोड़ा बहुत बाल्टी में और एक ट्राई करेंगे लास्ट ट्राई. तो
आप लोग देख सकते हैं थोड़ा पेशेंट और टाइमिंग से कितना अच्छा फ़ोटो आ सकता है, और थोड़ा पेशेंट चाहिए इस मतलब ऐसा फ़ोटो खींचने में, और काफ़ी अच्छा फ़ोटो आया आप लोग देख सकते हैं, और देख सकते हैं आप लोग। तो लोग गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने किया, और काफ़ी इजी है और आप लोग भी इजीली कर सकते हैं। पहले तो आपको टाइमिंग चाहिए और कुछ नहीं, टाइमिंग और पेशेंट। अपने ऊपर जितना पेशेंट होगा इतना अच्छा होगा, और पेशेंट के बिना कोई काम मुमकिन नहीं है। अगर पेशेंट और टाइमिंग चाहिए इस काम में, और जितना हो सके DSLR कंटिन्यूस मोड में रखिएगा, और ISO 100 मैंने रखा और F8 पे रखा अपर्चर, और जो शटर स्पीड था जो 200 पे था, और बाकी इजी है। और अगर फ्लैश आप साइड में रखिएगा, फ्लैश जितना साइड में होगा शेडो मतलब नहीं गिरेगा, तो शेडो के लिए साइड में रखना, और पीछे एक आप ब्लैक स्लैक कुछ भी पर्दा सर्दा जो भी हो लगा देना अगर ये फोटोग्राफी करना है। काफ़ी इजी है, और मुझे भी कई बार दिक्कत की परेशानी में निकलना पड़ा, फिर मैंने जाके ये मेरा एक मतलब परफेक्ट शॉट आया। तो परफेक्ट शॉट के लिए आपको पेशेंट चाहिए, तो पेशेंट रखिए इजीली हो जाएगा। और बाकी मेरा वीडियो आता रहेगा, और ये तो ब्लॉग नहीं है, तो एक मतलब एक्सपेरिमेंट था जो मैंने किया, अच्छा लगा तो आप लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा लगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक ठोक के जाना। तो फिर मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। बाय द वे मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, सो अगर देरी हो वीडियो में तो माफ़ कीजिएगा, नहीं तो मेरा वीडियो आता रहेगा। सो टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।